समय है जब आप अपने को या तो बना सकते हैं और या अपने को पूरी तरह से गिरा सकते हैं। हाँ। दूसरी एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, एक लेयर है ऐसी, ऐसे दो लेयर अगर हम बता दें तो एक लेयर बना हुआ है। ये लेयर जो है आम आदमी का लेयर है, और ये लेयर विशिष्ट आदमी का है, और एक लेयर और होती है वो अति विशिष्ट है। यहां से आदमी, हर आदमी चाहता है पहले मैं यहीं पे पहुंचूं, तो छलांग लगाता रहता है। बहुत सारे लोग 90% लोग यहां तक आके फिर से वापस आते हैं और इसी वाली जिंदगी में जीते हैं। यहां से पहुंच के जिसने एक्सट्रीम मेहनत करी है, अपने टाइम प्रबंधन सही रखा है, अपना गोल डायरेक्टेड रखा है, वो पद भ्रमित नहीं हुआ है, वो यहां है। फिर आपकी दुनिया चेंज हो जाती है। ये दुनिया एकदम अलग है, वो आपको अलग तरीके से देखती है, वो अलग, उसका स्टेटस ही अलग हो जाता है। अब यहां से आपका परिवार, आपका बच्चा, आपकी पत्नी, पूरी फैमिली का लेवल हमेशा के लिए ऐसे हो जाता है, फिर ये कभी इधर आता नहीं है। ध्यान रखिए, ये एजुकेशन लेवल में है, पैसे का लेवल नहीं बता रहा मैं, शिक्षा के लेवल बता रहा, प्रोफेशन का लेवल बता रहा। तो आपको ये वाला अचीव करने के लिए ये राइट टाइम है। अब दूसरी बात, बीसीटीवी दिवस थोड़ी देर में देखेंगे, ये जो राइट टाइम है इसी समय जो है आपको एक थ्रस्ट होना चाहिए। स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा पावर होता है प्यासा होना चाहिए, अच्छी ज्ञान किसी क्षेत्र में भी है आप उसके लिए प्यासे थे। और अगर आपका अपना प्रोफेशन है तो उसमें तो आपको प्रोफेशनलिस्ट होना चाहिए, उसमें तो आपके ऊपर कोई जाए नहीं, लेकिन और क्षेत्रों में भी आप कोशिश करिए कि लोगों के ज्ञान को अर्जित करें। अगर यहाँ कोई कुछ दे रहा है, अब आपके जो कुलपति जी ने बहुत अच्छी अच्छी चीज दी आपको, ये उनके पूरे अनुभव का निचोड़ था। जब कोई बिना देखे बोलता है तो उसके पूरे अनुभव का निचोड़ देता है, वो निचोड़ का एक्सट्रैक्ट अगर आपने ले लिया, ये गुरु मंत्र है। मोदी जी रोज जो मन की बात करते रहते हैं ना, उसको आप जरा ध्यान से सुनिए, उनका निचोड़ निकाल के लाते हैं और उस निचोड़ को सुनिए। आपका मत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जब बुद्धिजीवी वर्ग बोल रहा हो तो उसको ध्यान से सुनिए, वो आपकी सफलता का केंद्र होगा, आप अपने हिसाब से उसको एक्सट्रैक्ट करिए। तो आप फिर मैं आप आता हूं वर्ल्ड टीवी डे पे, इस टीवी दिवस को आप जानिए और टीवी के बारे में भी जानिए, टीवी के रोग के भी बारे में जानिए, क्योंकि ये आज से रोज रोग नहीं है, बहुत राजा महाराजाओं के समय से हो रहा है और कई लोग मरते चले गए और कुछ का पता ही नहीं चला कि क्यों मरे। बहुत दिन बाद पता चला कि एक टीबी रोग है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में भी लिखा है ये तपेदिक रोग है, ये क्षय रोग है, इस तरीके से कई तरीके के विवरण है। लोग आयुर्वेद की तरफ से उसका इलाज आयुर्वेदिक हिसाब से करते थे, लेकिन कोई अच्छी इलाज बन नहीं पाया, अल्टीमेटली सबको मरना पड़ा, कुछ एकाध बची गए तो बच गए। एक और अच्छी बात क्या बताऊं आपको, जैसे पूरे विश्व में, पूरे इंडिया का अगर हम देखें कि अगर हमारी 140 करोड़ है हम लोग, तो लगभग 50% इन्फेक्टेड है टीबी से। ये इतना ही बात बता, 120 करोड़ है तो 60 करोड़ लोग इन्फेक्टेड है। इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपको टीबी हो गया, ठीक है, टीबी सबके पास रहता है, ज्यादातर लोग इन्फेक्टेड हैं इससे, यानी कि टीबी बैक्टीरियल डिजीज है और वो बैक्टीरिया आपके अंदर कहीं ना कहीं है। अब आप कह सकते हैं कि टीबी है तो हमें होती क्यों नहीं, तो एक बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म है, TLC जो आप लोग कराते हैं, WBC प्रतिरोधक क्षमता का एक पूरा पूरा अंदर भरा हुआ है, वो उनको टैकल करता है, एक सामंजस्य स्थापित कर देता है और दोनों में आपस टकराहट होती रहती है। जब कभी आपके अंदर दुर्बलता आएगी या किसी वजह से आपकी बीमारी आएगी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, उसी समय ये टीबी उभर के आपके ऊपर भावा बोल देगा और आपको बीमारी का रोग का लक्षण प्रकट होगा। तो हम लोग जितने टीबी है उनकी डिटेक्ट नहीं करते, जिसमें कीटाणु है केवल वो डिटेक्ट नहीं होते,
हमने देखते हैं कि जिनको लक्षण आ गया, जिनको टीबी का लक्षण मिल रहा है, सिर्फ उनकी बात करते हैं। हम टीबी के लिए यहाँ है, हर टीबी डे या कोई भी कैंसर डे या कोई भी जो भी आप बीमारियां देख रहे हैं, वर्ल्ड एड्स डे, दुनिया भर के जो डे बने हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि आप अवेयर हो। जब तक जन लोग टोटल अवेयर नहीं होंगे, तब तक आप किसी चीज को निष्कासित नहीं कर सकते अपने से। तो इसलिए जो है आपको जानना जरूरी है। मान लीजिए कि आपके घर में ही एक बंदा कई दिन से खांस रहा है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये बराबर खांसता रहता है, इसकी तो आदत है, ये जब आता हूं तो खांसता ही रहता है, या कभी कभी उसको डॉक्टर को दिखा दिया। ये पेशेंट टीबी का था, लेकिन आपने मिस कर दिया। अब क्या होगा, वो खांसता रहा और धीरे 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 वो सबको दे दिया। था तो पहले से बैक्टीरिया, लेकिन एक बाउट में जब बैक्टीरिया जाता है ढेर सारा, तो एक समय ऐसा आता है कि आप भी थोड़ा सा खांस के निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो जगह अपना बना चुका है। स्पेशली 5 साल से नीचे बच्चे बहुत ज्यादा सफर है, या जो प्रेग्नेंट लेडी है वो बड़े सफर है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होती, ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ नहीं होता, तो बहुत जल्दी से उसको कैचअप कर लेते हैं। अब कैचअप तो कर लेते हैं, लेकिन टीबी आने में और प्रदर्शित होने में 2-3 महीने लग जाते हैं। तो आराम से रहता है, उसको लक्षण आया नहीं होता, एक का इलाज कराते हैं। धीरे 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 ये 5-6 लोगों को पहुंच जाता है। अब सोचिए कि एक फैमिली का जो दशा है, इसी तरह से पूरा इंडिया है। अब एक तो ये जगह हो गया इसके स्प्रेड होने का, दूसरा क्या है, अब आप डॉक्टर के पास गया, उसने बोला कि भैया डॉक्टर साहब ने बता दिया कि इसको टीबी है, तो आप टीबी है तो आप तुरंत जो है उसको तुरंत कर दे, टीबी है। अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है, जैसे माता जी हैं आपकी, उनको एक कमरे में बैठा देते हैं जैसा कुलपति जी ने कहा, और आप उनको एकदम सेग्रीगेट कर देते हैं, उनको देखते नहीं है। अब इनका खान पान भी कम हो गया, उनसे कोई मिलने भी नहीं जाता है, उनकी दवाई कितनी हो रही है नहीं हो रही है उस पर ध्यान नहीं देता, और आप देखेंगे ज्यादातर लोग धीरे 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 एक्सपायर कर देते हैं ज्यादातर, और जो एक्सपायर करता है तो उसमें बैक्टीरियल लोड बहुत ज्यादा होता है। अगर वो गलती से वहां तक जो जो पहुंचा हो सबको वो बीमारी पकड़ता है। इसलिए क्या कहते हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट होना चाहिए, अर्ली पकड़ में आना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए जल्दी से। थोड़ा सा केवल इसमें बता रहा हूं कि अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे तो जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा है, 100% इफेक्टिव है, और 100 में से 100 अगर बीमार लोग ट्रीटमेंट अगर प्रॉपरली ले लें तो 100 लोग ठीक हो सकते। करना क्या है, अगर आप 15 दिन ट्रीटमेंट लेते हैं किसी का तो डिजीज फ्री हो जाता है, फिर वो खांसता रहे आपको डिजीज नहीं होगी, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत खांस रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा, दिक्कत है, लंग में पानी भर गया, फेफड़ा सड़ रहा था, आपने 15 दिन ट्रीटमेंट दे दिया, ट्रीटमेंट इज वेरी इफेक्टिव, एकदम स्टेलाइज हो गया, आप अपने साथ कर सकते, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप ऐसे लोगों को जल्दी से पकड़ें, और जल्दी से आप देखेंगे आपको समझ में आने लगेगा। अब हम आप बता सकते हैं कि टीबी के लक्षण कैसे होते हैं, कि आपने कैसे पकड़ना है उनको, आप कैसे समझेंगे, अब कब किसको डॉक्टर के पास भेजना है। तो इसमें आप समझ लीजिए, एक तो टीबी का जनरल लक्षण होता है जो सारे टीबी का होता है, एक होता है कि स्पेसिफिक लक्षण होता है जो जहां पे टीबी होती है वहां होता है। इसके पहले मैं थोड़ा सा और बात बता दूं कि एक होता है वायरल डिजीज, एक होता है बैक्टीरियल डिजीज, बाकी फंगस वगैरह सब का छोड़ दो। जो वायरल डिजीज होता है वो पूरे शरीर को इफेक्ट करता है एक साथ, और एक साथ आपको बहुत तेज बुखार आएगा, खांसी आएगी, सर्दी आएगी, और आप देखेंगे कि जो आप बहुत परेशान रहेंगे, बॉडी टूटने लगती है, शरीर में दर्द हुआ, और फिर उसके बाद आप 3 दिन बाद ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसके लिए एंटीबॉडी हमारी शरीर बना देती है, आप ठीक हो जाते हैं, और डॉक्टर कहते हैं वायरल है, दवाई लेने की जरूरत नहीं है, प्लेन पैरास्टामॉल लेते रहिए, ठीक है। ये रोज का लक्षण है, आप भी कहते हैं। लेकिन जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, टीबी भी एक बैक्टीरिया है, तो वो ज्यादा तो है, हल्का सा लक्षण दिखाएगा, लेकिन उसके एक जनरल लक्षण आते हैं जो सबको आते हैं, जैसे बुखार आना, हल्का हल्का बुखार रहेगा, कमजोरी लगना, हल्की हल्की कमजोरी होगी, शाम के समय पसीना आना, कमजोरी लगना,
वो थोड़ी देर में जाएगा, थोड़ी थोड़ी देर पे जाएगा, लेट जाएगा, बैठा नहीं रहेगा, कह रहा मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मजा नहीं आ रहा मुझे। आप कुछ उससे कहोगे कि आज चलते हैं फंक्शन में, यहाँ घूमने चलते, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं तो लेटूंगा। फिर उसके बाद जो है उसको खांसी आनी स्टार्ट होती है, प्लस उसका जो है भूख नहीं लगता, मन नहीं लगता, वजन गिरने लगता है। जब 2-4 किलो वजन गिर जाता है तब आपको याद आता है उसको कि कहीं मुझे कुछ बीमारी है क्या, मैं तो 3-4 महीने जैसे कर रहा हूँ और मैं लगातार वजन गिर रहा है, या मेरा वजन बढ़ ही नहीं रहा है, बाद में अवस्था रहा हूँ तब भी याद है। तो 4-5 इंपॉर्टेंट लक्षण है, बुखार आना, कमजोरी आना, पसीना आना, खाना भूख न लगना, ये तो जनरल लक्षण है। अब बीमारी जहाँ पहुँचती है, बैक्टीरिया जहाँ सबसाइड करता है, बैक्टीरिया जो है जैसे लंग में पहुंचा, तो 80-85% जो है टीबी कहाँ होता है, लंग में, ठीक है ना। तो लंग के लक्षण आपको ज्यादा दिखे, इसलिए जब भी कोई टीबी की बात होती है तो इसका मतलब खांसी आएगी। अमिताभ बच्चन रोज कहते रहते हैं 14 दिन की खांसी जरूर टीबी होगी, जाके चेक कराए, रोज उसके ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये अवेयरनेस आपको आना चाहिए कि ये कई दिन से खांस रहा है, इसको जल्दी से डॉक्टर को दिखा जाए, इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, तो शायद टीबी भी हो सकती है, बहुत सारे रोग हो सकते हैं, दमा हो सकता है, या ब्रोंकल अस्थमा, या एलर्जी, सीओपीडी, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन कम से कम वो चीजें रूल आउट होनी चाहिए, समय पे उसको पकड़ना जरूरी है। तो आपको क्या करना है, अब एक वो बता दिया कि 80% तो केसेस मिलते हैं जो लंग में टीबी पहुंच जाते हैं, उसमें लंग में पानी भरना, लंग का एक पार्ट अफेक्टेड हो जाना, सड़ जाना, या दोनों के दोनों लंग सड़ जाते हैं, अल्टीमेटली वो वेंटिलेटर पे जाता है, एक्सपायर कर जाता है। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही है, वो खांसते खांसते एक्सपायर कर जाता है। तो दूसरा जो है, जो मेजर टीबी है और जो आता है वो कहाँ जाता है, बच्चों के ब्रेन में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, गांठें बन जाती है। आप देखेंगे जहां भी बड़ी गांठें हैं वो ज्यादातर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। लंग के बाद पेट का दूसरा नंबर है, पेट के एब्डोमिनल टीबी बहुत होती है। पहले जो लोग काऊ वगैरह भैंस का दूध पी देते थे कच्चा, उनको बहुत होता था क्योंकि काऊ में टीबी बहुत होती है। तो इस तरह की टीबी ज्यादातर पेट में है। अब तो पेट में पहुंचेगा तो एक तो नॉर्मल लक्षण रहेगा आपको, बुखार, वजन कम होना, ये सब रहेगा, लेकिन पेट में पहुंचा तो 2-3 लक्षण पेट के स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे पेट में दर्द होना तेजी से, कंटिन्यूअस दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, या डायरिया होना, इस तरीके के लक्षण होंगे जो पेट से संबंधित हैं। औरतों में जेनाइटल ट्रैक्ट की टीबी बहुत कॉमन है, जितनी इनफर्टिलिटी की केस है जिनको बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट क्या कराती है, उसका ट्यूब टेस्ट कराती है। ये ट्यूब जो है ब्लॉक तो नहीं है, और ट्यूब ब्लॉकेज का 90% से ज्यादा कारण क्या निकलता है, टीबी। ये टीबी पता ही नहीं चलता कब किसको हुआ था, मैंने कहा ना कुछ लोगों को टीबी पता ही नहीं चलता, लड़कियां पतली सी हैं, ये ऐसी पतली रहती है, घर वाले इलाज ही नहीं करते, बोले तो इसका का ये ऐसी है शुरू से, तो भैया शुरू से तो एक बार दिखा दो तो डॉक्टर को, सकता कुछ कारण हो, कह रहे नहीं इसकी जाति ऐसी है, ये तो ऐसी रहती है, खाती वाती नहीं है, वजन भी कम है। इसी स्ट्रेस में एडोलेसेंस कंप्लीट हो जाता है, एडोलेसेंस का मतलब हो जाए 10 से 14 साल, जब पिनार्टी स्टार्ट होती है, महीना स्टार्ट होता है। अब एक तो बेचारी को बीमारी पहले से था, एक एडोलेसेंस का स्ट्रेस अलग हो गया, जब जेनाइटल ट्रैक्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब सारी चीज़ें, फर्टिलिटी, ये सब विकास हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है उस समय, उसी समय पीरियड स्टार्ट होना है, उसी समय ग्रोथ होना है, उसी समय उसका ट्यूब ब्लॉक हो रहा होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि इसको टीबी है और ये काम कर रहा है। अब वो उसी विभाग में रहते हैं पुराने की, वो तो पतली है ऐसी रहेगी, अल्टीमेटली वो 15-16 साल की हो जाएगी, 17 साल की हो जाएगी, और उसको टीबी रहता है तब तक सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। इसी स्ट्रेस में शादी भी हो जाती है तब तक 17-18 साल। अब जब वो पहली बार प्रेग्नेंट होती है, पहले तो होती नहीं है, अगर ट्यूबर की हो तो होगी नहीं, एक है मान लो हो भी गया तो उसके बच्चे को निकलेगा, और वह बच्चा छोटा सा पैदा होगा, वजन नहीं बढ़ेगा, फिर उसको बुखार आएगा, दुनिया भर की प्रॉब्लम, मतलब ये कास्केड ऑफ रिएक्शन है। ये केवल मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आपका ये सब सब्जेक्ट नहीं है, डॉक्टर का सब्जेक्ट है, लेकिन केवल अवेयरनेस के लिए अगर आप ये जानेंगे सारी चीज़ें तो शायद अपने और अपने घर की लड़कियों को, अपनी माताओं का कुछ तो उनको लाभ देंगे कि इस तरह की घटना हो रही है तो कोई दिक्कत होगी। दूसरा, जेनाइटल ट्रैक से हम आगे बढ़ते हैं, तो बोन में टीबी बहुत होती है,
ब्रेस्ट में गांठ है उसकी टीबी या कैंसर दो ही कारण निकलते हैं ज्यादातर। तो ये दोनों चीजें देखना है। दिमाग की टीबी बहुत होती है तो दिमाग की टीबी है, और बोन में स्पाइनल कार्ड की तरफ जाएंगे पीछे की तरफ, अगर किसी को लगातार बैकएक हो रहा है, बैठ नहीं पा रहा, थोड़ी देर बैठता है तो तुरंत दर्द होने लगता है, बैठते बैठते वो बेचारा वो इधर उधर बैठ रहा है लेकिन किसी तरह के वो बैठता भी लेट जाता है या वो ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाता। ऐसे में ज्यादातर केस में स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस होती है, और उसमें अगर आपने इग्नोर किया तो पैर में टिंगलिंग सेंसेशन से स्टार्ट होके दोनों तरफ का पैर लकवा मार सकता है। ये बड़ी कॉमन सी मेरी बता रहे आपके अंदर, क्योंकि पेशेंट को आता नहीं है इसलिए आपको उतना अवेयरनेस नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बड़ी कॉमन सी मेरी है। तो हमें लगभग ये बैक्टीरिया अगर इग्नोर करेगा तो सारे अंग को आपके खराब कर सकता है, कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो जहां टीबी ना हो जाए। लेकिन स्पेसिफिक टीबी बहुत कम होता है, ज्यादातर फेफड़े में होता है। तो आपको लक्षण हमने बता दिया, इन्वेस्टिगेशन, अब लक्षण हुआ तो आपको इन्वेस्टिगेशन में इतना समझना है कि जो पहले चलता था पुराने जमाने में कि केवल एक्सरे से हो जाएगा, ऐसा नहीं। अभी जब से मोदी जी आए हैं एक बड़ा मिराकल किया, इनके अंदर क्या है ना कि ये किसी चीज को पकड़ते बहुत तेज है। WHO ने कहा कि मैं 2030 तक पूरे दुनिया से इसको हटाना चाहता और सबकी वर्ल्ड टीवी समिट बुलाया। आज वर्ल्ड टीवी समिट वाराणसी हो रहा है, मालूम है ना, आज वर्ल्ड टीवी समिट वाराणसी हो रहा है और 40 कंट्री के लोग यहाँ पे हैं, इसी रुद्राक्ष नहीं चल रहा है, हो सकता है अभी खत्म हो गया। तो ये जब 2018 में हुआ तो वहां पे ये हुआ कि 2030 तक हम लोगों ने जो है इसको निकाल देना है। मोदी जी का हम बचपन से बहुत दिन से टीवी देख रहे हैं, अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है। ऐसा है ना, इंडिया इसको 2025 तक खत्म कर देगा। हम उसके लिए जितना फंड हो सकता है, जहां 2% फंड था वहां से उठा के 4-6% फंड कर दिया इसके लिए, कि जितना पैसा लगे लगे लेकिन 2025 तक इसको हटा। अब उन्होंने, उनके काम करने का शैली आपका अलग है, तो उन्होंने क्या करा कि एक तो टीम बैठाई पूरी कि हम कैसे कर